गप्पू भाग वरना बस छूट जाएगी। ओह वह छूट गई। मोटापे का यही नुकसान है कि तेजी से नहीं भाग सकते। मोगा सिंह हमें मैटनी शो देखने जाना है, जरा थिएटर तक छोड़ दो। बैठो थोड़ी अपनी गड्डी है। ओह ओह तुम्हारी कार का दरवाजा मेरे लिए छोटा पड़ रहा है। तुम छत पर बैठ जाओ। खलीफा क्या तुमने कबूतर पाल लिए हैं? आ रोज आकर देखो मेरे पट्ठों को, ये बड़ी ऊंची नस्ल के हैं। अरे पूसी कहाँ जा रही हो? रुको तुम शैतानी पर उतर आई। रमन तुम्हारी शैतान बिल्ली ने मेरे कबूतर को उड़ा दिया, मैं तुम्हें इसके लिए कभी माफ नहीं करूंगा। आज से तुम्हारी मेरी दोस्ती खत्म, अपनी मनहूस बिल्ली को यहाँ से ले जाओ। कबूतर लौट रहे हैं। यार रमन रुको, लो ये 5 रुपए, अपनी बिल्ली को दूध पिलाना। कबूतर जब आसमान को उड़े तो 6 थे, जब लौट कर आए तो 7 थे। कमली चाय पी की है? चीनी महंगी हो गई है इसलिए तुम्हें चाय ऐसे ही पीनी पड़ेगी। जो चीनी घर में है वह मेहमानों के लिए है, आज मेरे कुछ फ्रेंड्स आने वाले हैं। रमन मैं नहाने जा रही हूँ, अगर मेरी फ्रेंड्स आए तो उन्हें आदर से बिठाना। अगर इस चीनी में से 1 चम्मच चाय में डाल लूं तो कमली को क्या पता चलेगा? ओह मक्खियाँ, कमली की फ्रेंड्स आ गई। जहाँ मक्खियों का झुंड हो वहाँ कैसे बैठा जा सकता है? योग भगाए रोग। भाई साहब नमस्ते। भाई साहब नहीं, मुझे गुरु जी कहो, जानते हो मेरी उम्र कितनी है? 125 साल। लेकिन आप 30 साल से ज्यादा के नहीं लगते। उसकी वजह ही योग अभ्यास, जिसके कारण मेरे एक भी बाल सफेद नहीं, चेहरे पर झुर्रियां नहीं और पूरे 32 दांत मौजूद है। जिस तरह भीष्म पितामह ने बाणों की शैया बनाई थी उसी तरह मैं कीलों के बेड पर सोता हूँ। यहाँ मुझे उतना ही आराम मिलता है जितना तुम्हें रबर बेड के फोम पर। योग के दूसरे गुणों पर इस बेंच पर बैठ कर हम बातचीत करेंगे। क्या हुआ? बेंच की कील चुप गई। घर में टीवी आने से हमारा कितना मनोरंजन होता है। कौन आ गया? आपने हमारी दुकान से किस्तों पर टीवी लिया था, मैं उसकी किस्त लेने आया हूँ। लाला अगर मैं पैसे नहीं दे सका तो मजबूरन मुझे टीवी ले जाना पड़ेगा। रुको मैं पैसों का इंतजाम करता हूँ। खलीफा तुमने मुझसे पैसे उधार लिए थे, ब्याज समेत कर्ज मुझे वापस करो। मेरे पास इस वक्त रकम नहीं है, जब तक मैं पैसे ना दूं तुम मेरा टीवी रख सकते हो। लाला तुमने कृष्ण मिलने पर टीवी ले जाने की धमकी दी थी, इसे ले जाओ। रमन बारूद फट की तस्वीर अपने घर में क्यों टांग रहे हो? कमली मैंने बॉस को घर पर चाय के लिए आमंत्रित किया है, जब वो यहाँ अपनी तस्वीर देखेगा तो खुश हो जाएगा और मेरी तरक्की कर देगा। वो आ रहा है। सर स्वागत है, बॉस अपनी तस्वीर देख रहा है। अब तुम्हारी तरक्की हुई समझो। रमन की दीवार के बाहर कील निकली है, मैं उसे वापस अंदर कर देखता हूँ। मैं तुम्हारे घर 1 मिनट भी नहीं ठहर सकता। खिड़की क्यों बंद कर रहे हो? गली गए बच्चे बैडमिंटन खेल रहे हैं, उनकी शटल मुझे आकर लगती है। इससे अच्छा है कि शटल अपने पास रख लो, उनके पास न शटल होगी न वे बैडमिंटन खेलेंगे। अब उन्होंने क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया है। बन बनो आओ स्कूटर पर बैठकर हम शायद सपाटे को जाएं। ठीक है खलीफा। लड़की तुम उस खटारे स्कूटर पर बैठने के लिए नहीं बनी, इस एयर कंडीशन कार पर बैठ जाओ। अच्छा शेख। दोस्त खलीफा उदास क्यों हो?
रमन, मेरी गर्लफ्रेंड को वह अमीर शेख कार में बिठाकर सैर सपाटा करने ले जा रहा है। मेरे पीछे आओ। शेख साहब, क्या आपकी कार पर एक खूबसूरत स्टिकर लगा दूं? खुशी से मेहरबान। तुम्हारे स्टिकर ने सारा स्क्रीन ढक लिया। बनबानो, शेख को सामने से कुछ दिखाई नहीं देगा। मेरे स्कूटर पर बैठो। ये आवाज कैसी? रमन, मेरे पेट में गैस बन रही है। इसका इलाज कराओ। कैसे? मैं तुम्हें डॉक्टर आयोडीन के पास ले चलता हूँ। चलो, डॉक्टर साहब, गप्पू के पेट में गैस बन रही है। मैं अभी दवाई देता हूँ। गप्पू, कहो क्या लोगे, गोलियाँ या चूरन? गोलियाँ। अब चूरन दीजिए। क्यों? अभी मेरी भूख नहीं मिटी। चलो उस कार में बैठो, हम तुम्हारा अपहरण कर रहे हैं। चीफ, हम कबूतर पकड़ लाए हैं। इसके परिवार को टेलीफोन करो, अगर वे इसकी रिहाई चाहते हैं तो 10 लाख रुपया दें। तुम एक व्यक्ति की रिहाई के बदले 10 लाख रुपए देते हो? तब तो तुम बड़े अमीर हो। फिर? मैं एक क्लर्क हूँ, महीने के आखिरी दिनों में तंगी आ जाती है। मैं घर से उधार मांगने निकला था, उम्मीद है तुमसे कुछ मिल जाएगा। ये लो 100 रुपया, काम चलाओ। किस कंगले को पकड़ लाए? देखो, नल का पानी हमेशा टपकता रहता है, किसी मरम्मत वाले को बुलाओ। हेलो प्लम्बर, नल की मरम्मत करनी है, आ जाइए। नल किधर है? इसकी मरम्मत के चार्जेस 20 रुपए होंगे। इतना ज्यादा? तुम जाओ, मैं खुद ही नल की मरम्मत कर लूंगा। पानी दूसरे कमरे में भी जा रहा है। हेलो प्लम्बर, जल्दी आओ, हम मरम्मत के चार्जेस 200 रुपए होंगे। रमन, हम पति पत्नी में कितना प्यार है। मारी आधा चोरी है। तुमने मुझे डांटा। वे झगड़ रहे हैं। उस दंपति में हमेशा लड़ाई होती है। लक्ष्मी, कहाँ जा रही हो? तुम्हारे झगड़े का कारण क्या है? मेरी किस्मत फूट गई, मेरे पति कंजूस है, मुझे प्यार नहीं करता। 6 महीने हो गए, मेरे पति ने मुझे एक भी साड़ी खरीद कर नहीं दी। मैं अपने आगे जा रही हूँ, जब वो साड़ी देगा तब लौटूंगी। मुझे याद आया, तुमने मुझे 1 साल से साड़ी नहीं खरीद कर दी। मैं भी अपने माँ के घर जा रही हूँ। हमारा मकान मालिक डोलरम इधर आ रहा है, जल्दी से दरवाजा बंद कर दिया जाए। रमन, दरवाजा खोलो, मैं अपना मकान खाली कर कर रहूंगा। सेठ जी, इस इलाके में कोई मकान खाली है? हमें व्यायामशाला के लिए जगह चाहिए। पहलवान, वह मेरा मकान है, किराएदार को निकाल दो, तुम व्यायामशाला बना लो। मुझे किराएदार को निकालना आता है, मैं दरवाजा तोड़कर उसे बाहर करता हूँ। दंगा फसाद करते हो, चलो। तुम्हारे बाहर रहने से शहर की शांति को खतरा है, कुछ दिन जेल में बिताओगे तो अकल आ जाएगी। यह तुम्हारी जगह है। रोटी दाल। अरे अरे अरे, यह सारे कैदियों का खाना है। तुम हमारे खाने के अधिकार को नहीं छीन सकते। सारा, वह नया बंदी सारे कैदियों का खाना खा गया। गप्पू, तुम एक ही दिन में छूट गए। अंदर अनाज का संकट आ गया था। ओफ, आज बड़ी गर्मी है। डेजर्ट कूलर की हवा कमरे को ठंडा नहीं कर रही। इसका पानी खत्म हो गया है। बाहर जाकर डेजर्ट कूलर में पानी भरता हूँ, इसमें पाइप लगा देना चाहिए। अब डेजर्ट कूलर कमरा ठंडा करेगा। आधा घंटा हो गया, अभी डेजर्ट कूलर गर्म हवा दे रहा है। दोबारा बाहर जाकर देखता हूँ कि पानी क्यों नहीं भर रहा।
पुराने फिल्मों के गाने सुने जाए। लता मंगेशकर का रिकॉर्ड गायब है, याद आया वह भारिया जी मांग कर ले गए थे, जाकर उनसे ले आता हूँ। लता मंगेशकर का रिकॉर्ड कुछ दिन पहले वह कपूर साहब मांग कर ले गए, मैं जाकर वह कपूर साहब से ले आता हूँ। लता मंगेशकर का रिकॉर्ड वह मुझसे प्रोफेसर पूरी मांग कर ले गए, मैं जाकर प्रोफेसर साहब से ले आता हूँ। लता मंगेशकर का रिकॉर्ड वह कोई मुझसे मांग कर ले गया है, मगर याद नहीं आ रहा कि कौन ले गया है। अब मुझे घर वापस लौटना चाहिए। कमली, हमारे घर में लता मंगेशकर का रिकॉर्ड बज रहा है। या मैं प्रोफेसर साहब से लाई हूँ। खलीफा, कहाँ भागे जा रहे हो? रमन, मुझे बनबानो ने अपने मकान पर बुलाया है, वह आज मेरे साथ शादी करने का फैसला सुनाएगी। बनबानो, मैं आ गया। खलीफा, तुम पूरे 5 सेकंड लेट आए हो, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। इतनी संगठन ना बनो, 20 किलोमीटर दूर से आने में कुछ सेकंड की तो देरी मामूली बात है। नौजवान, तुम्हारी मोहम्मत के जोश ने मुझे आकर्षित कर लिया। मेरा नाम गगार है, बनबानों को भूल जाओ। है? मैं तुमसे शादी करूंगी, मगर तुम्हारा कद छोटा है, तुम मेरी बीवी कैसे बन सकती हो? मुसीबत जितनी छोटी हो अच्छी होती है, लेकिन जब तुम मुझसे बात करोगी तो सर उठाकर करोगी, जबकि मुझे तुमसे बात करते वक्त सर झुकाना पड़ेगा। एक शौहर को यह बर्दाश्त नहीं। मैं जिसका एक बार हाथ पकड़ लेती हूँ उम्र भर नहीं छोड़ती। मेरा मकान खाली करोगे या नहीं? नहीं, 100 रुपए महीना किराया में एक झोपड़ी भी नहीं मिल सकती। तुम्हारे पुराने टूटे मकान से वो अच्छी होगी। मैं मकान खाली करा के रहूंगा, देखेंगे। रात को मूसलाधार बारिश हो रही है, उस मकान की छतें टपकती है, रमन मकान छोड़कर भाग जाएगा। सारा मकान चूरा है। सुबह जाकर देखूं, रमन मकान छोड़कर भाग गया होगा। बैठ के नीचे रात को अच्छी नींद आई। होगा सी खलीफा, टीवी पर फुटबॉल मैच आ रहा है। वह मेरी पसंद का खेल है। फॉरवर्ड बॉल को लेकर गोल की तरफ बढ़ रहा है। ओह, टीवी को क्या हो गया? गोल होने वाला था। छत पर जाकर मैं एंटीना देखता हूँ। कमबख्त कौवा एंटीना को हिला रहा है। बैट! पिक्चर आ गई। कौवा उड़ गया। ओह, फिर पिक्चर गायब। इस बार मैं जाकर कमबख्त कौवे को देखता हूँ। तुम यह जो ब्रेड लाए थे ताजी नहीं, इसलिए खाने योग्य नहीं। कमली, इसे इधर दो, मैं इसे अभी दुकानदार को वापस करके आता हूँ। मैं जो ब्रेड तुम्हारी दुकान से ले गया था वह खाने योग्य नहीं, मेरे पैसे लौटाओ। बाबू, मेरे यहाँ सिर्फ ताजे अंडे मक्खन और ब्रेड मिलते हैं। मगर यह ताजी नहीं। झूठ, सच। इसे इधर दो, अभी पता चल जाएगा कि खाने योग्य है या नहीं। देखो, कुत्ते ब्रेड खा गए, वह खाने योग्य थी। जी जा जी, आज मेरे दोस्त यहाँ नाचने गाने के लिए आ रहे हैं। जोखो, वे नहीं आएंगे, तुम शोर करोगे। तुमने मेरे भाई को डांटा? मेरा भाई अपने दोस्तों को यहाँ लेकर आएगा। वे आधी रात को हंगामा करेंगे, हमारी नींद हराम करेंगे। यह मेरा भी घर है। जोखो, तुम साथ वाले कमरे में गाना बजाना कर सकते हो। रात को संगीत की आवाज आ रही है, जाकर देखो उनका नाचना गाना कैसा है। नाच गाना बढ़िया है, मगर तुम्हारे लिए नहीं, चलो। वाह सुंदर। क्यों, जब मैं बाजार गई हूँ तो तुम लड़कियों को घूरते हो? कमली, तुम्हें गलतफहमी हुई है। तुमने उस लड़की को सुंदर नहीं कहा? मैं उसकी साड़ी की तारीफ कर रहा था। क्या तुम्हें उस साड़ी का डिजाइन पसंद है? बहुत। सच कह रहे हो? बिल्कुल। देखो, उसी डिजाइन की साड़ी मैं बाजार से खरीद कर लाई हूँ, कीमत 1000।